आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के लिए बस सर्विस रद्द की। सीमा विवाद के बीच पुलिस ने अलर्ट किया था। दक्षिण के तीन राज्यों में चक्रवात मंडोस की चेतावनी। तमिलनाडु में भारी बारिश, उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी। तालिबान ने पाक फौजी का सिर काटा। कत्ल के बाद सैनिक का शव पेड़ पर लटकाया। लोगों ने कहा जनाजे में शामिल ना हो। पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया। शाहरुख खान की बेटी आर्यन ने अनाउंस की फिल्म खुद लिखी है स्क्रिप्ट। बोले शूटिंग शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रायबरेली पुलिस ने जिले में अपराधों पर नियंत्रण के लिए अनोखा तरीका निकाला है। जानकारी के मुताबिक जिले भर में दूसरे जनपदों से जिले में प्रवेश स्थलों को चिन्हित कर यहां जिंग जैक बैरिकेटिंग के अलावा यहाँ CCTV भी लगा दिए गए हैं। 4 टोल प्लाजा समेत लगभग 25 स्थान चिन्हित किए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों कई ऐसे खुलासे हुए जिनमें अपराधी इन्हीं रास्तों से घुसे और अपराध कर वापस लौट गए। इसीलिए पुलिस का मानना है कि अगर इस स्थानों पर ही बदमाश चिन्हित हो गए होते तो अपराधी ना होते। इसी से सबक लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिले भर में लगभग 25 स्थानों पर CCTV से लैस चेक पोस्ट बनाया है। देखिए, विगत दिनों में जनपद की कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए ये प्रयास तो लगातार चलते रहते हैं। हम लोग सोचते भी रहते हैं कि और क्या बेहतर किया जाए। पिछले दिनों जब ये इस बात का एहसास हुआ हम लोगों को कि रायबरेली चूँकि 7-8 जनपदों से घिरा हुआ जनपद है, लखनऊ से भी बॉर्डर लगता है, और पिछले कई दृष्टांत ऐसे आए जिसमें हमने देखा कि जब केसेस वर्कआउट हुए तो मुलजिम उसमें दूसरे जनपदों के निकले और ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे जनपद के अपराधी आकर के जिनकी चेकिंग हम बॉर्डर पर नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर आकर के घटनाएँ कर रहे हैं। बुलंदशहर में स्याना कोतवाली क्षेत्र के बुगरासी रोड के पास SSP श्लोक कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बता दें कि इस ऑपरेशन से के तहत स्याना कोतवाली की मुठभेड़ 25,000 का इनामी बदमाश से हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में पुलिस बाल बाल बचे। वहीं जवाबी फायरिंग से बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके साथ ही बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज रात्रि में थाना स्याना पुलिस हाजीपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना थाना स्याना को प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि एक हंग बाइक पे दो संदिग्ध व्यक्ति अवैध असले के साथ बुगरासी से स्याना की तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिया के पास थाना स्याना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार लड़कों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इसमें इनको रोकने पर भी इनके द्वारा कई राउंड फायर किए गए। थाना स्याना द्वारा इन पर भी फिर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, SSP के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, जनपद पुलिस में SSP शिलोक कुमार के आदेश पर जो मुखिया बदमाश है उन पे वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस मुठभेड़ में लगी हुई है। जब से SP श्लोक कुमार आए थे उन्होंने केला के बोल दिया था कि या तो अपराध बंद हो जाए या नहीं तो एनकाउंटर करने पड़ेंगे। जी धन्यवाद विशाल तमाम जानकारियों के लिए।
औरैया के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी पीसी श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक चारू निगम की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। बता दें कानून नियमावली का पालन अपराध अभियोजन कारों को लेकर समस्त उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई गुंडा एक्ट पॉक्सो एक्ट आदि की समीक्षा की गई। कासगंज में पटियाली के प्यारपुर में बौद्ध भीम आर्मी काशीराम बहुजन एकता मिशन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व महात्मा गौतम बुद्ध की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं सभा में बैठे सभी पदाधिकारियों और साथियों ने भी पुष्प अर्पित किए। उसके बाद एक एक कर सभी पदाधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की दुख भरी कहानी को भी सभी के सामने रखा। इस मौके पर सदस्य प्रमुख सुधीर बौद्ध सुकावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार के साथ राष्ट्रीय महासचिव सुमित कुमार बौद्ध मौजूद रहे। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दवा लेकर वापस घर लौट रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मुजफ्फरगंज में जिन्नतों वाली मस्जिद के पास दबंगों ने गोलियां चलाई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत चुकी है। वहीं मस्जिद के पास दुकानदार से गाली गलौज करते हुए और असलाह लहराते हुए दुकान बंद करा दी। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन में मामले में दबंग ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच करने में लापरवाही बरत रही है। अभी तक सबूतों के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया है। बता दें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक चार दिन पहले ही मसूरी क्षेत्र के मेन गेट में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक दुकान खाली की गई थी, जहां पर लोगों को एक किलो देशी घी के साथ एक किलो देशी घी फ्री दिया जा रहा था। वहीं साथ में लोगों को 250 ग्राम पनीर भी मुफ्त में दिया जा रहा था। तीन दिन में ही दुकानदार ने लोगों को लाखों का माल बेच दिया। आसपास निवासियों और दुकानदारों को संदेह हुआ कि तीन दिन पहले खोली दुकान इतनी अच्छी क्यों चलने लगी। वहीं इस बात की खबर स्थानीय दुकानदारों ने SDM सिटी को दी। वहीं जैसे ही इस बात की भनक दुकानदार को हुई तो दुकानदार वहां से रफू चक्कर हो गया। जब तक सूचना मिलते ही खाद्य विभाग ने जांच करने कुछ अधिकारी आए, हालांकि उस समय दुकान बंद हो चुकी थी। फिर भी मसूरी प्रधान और खाद्य विभाग की उपस्थिति में दुकान का ताला तोड़कर घी के सैंपल भरे गए, जिसको खाद्य विभाग की टीम ने अधिकारी जांच के लिए अपने साथ ले गए। देखिए, हमारे पास सूचना आई थी कि कोई नकली घी की दुकान खोली गई है वहाँ पे और घी पूरी तरह फर्जी है। तो हमें भी प्रथम दृष्टया जब लगा कि ये इस तरह की पहले भी शिकायतें हुई हैं और कार्रवाई की गई हैं। ये कुछ लोग हैं जो बाहर से सस्ता घी खरीद के और देहात या कुछ मजदूर लोग जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ऐसे इलाकों में बेचने की कोशिश करते हैं। इसमें जब हमारे खास सुरक्षा अधिकारी ने वहाँ पर जाँच की तो उनके हिसाब से वो घी प्रथम दृष्टया निकली लगा। देखिए, ये है कि हमारे पड़ोसी घी ले गए थे शाम को। मैंने पूछा ये कहाँ से लेकर आया, उन्होंने कहा 600 रुपये, 650 रुपये किलो दे रहा है, एक किलो घी मुफ्त दे रहा है वो। मैंने कैसे दे रहा है वो, कह रहा 4 तारीख का वो टाइम दे रहा, सुबह को मैं ड्यूटी जा रहा था यहाँ से निकलता हुआ। मैंने उससे मालूम करा भाई 1000 रुपये किलो घी दे रहा, उसने कहा 600 रुपये किलो है और एक किलो मुफ्त है। मैंने कब तक है भैया ये, वो बोला 4 तारीख तक है। मैंने कहा आप 4 तारीख के बाद में क्या सबूत है, आप यहाँ रुक जाओगे। उन्होंने कहा जी कोई सबूत नहीं है। मैंने पकड़ी कितने की बांधी दुकान में तुमने, या कोई तुम्हारी हमारी पड़ोस में ही थी, हमारे स्टोर के सामने थी दुकान। क्या है पूरा मामला? मामला यह है, ये सेंस मिला के घी में और चर्बी मिक्स करके 600 रुपये में 2 किलो घी और 250 ग्राम पनीर बेच रहे थे। आज के ज़माने में 800-900 रुपये किलो घी मिलता है ओरिजिनल, और इस ज़माने में 300 रुपये के लिए घी कहाँ मिल रहा है।
और हमने जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था अंशुल पांडे जी को, मेरी उनसे बात हुई थी परसों भी और कल भी हुई थी, और आज मेरी उन्होंने कॉन्टेक्ट करा था 5 बजे करीब में, मैं आया था और उनसे ताला खुलवा के चेक वगैरह कराया डॉक्टर साहब ने उनको सीज। प्रशासन को ये जानकारी दी गई है अभी 3 दिन पहले ये ग्राम मसूरी में 2 किलो घी पर 1 किलो फ्री बेच रहा है लड़का, और वो जानकारी लेकर पुलिस को सूचना दी गई, डॉक्टर को सूचना दी गई, और डॉक्टर आज आए हैं जांच कर रहे हैं, सील लगा दी गई है दुकान पर, और उसे जो तो घी वाला है उसकी जो है ढूंढ जा रही है, जैसे पकड़ा जाएगा तुरंत पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अमेठी में मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के फूला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 सगी बहनों का शव मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में सगी बहनों की मौत से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक घर के पास ही कुएं में सगी बहनों का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली के बछरावा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यापारी की मौत पर परिजनों व स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा और परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक होटल व्यवसायी की तबीयत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के इलाज करने के जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिजन हालत में कुछ सुधार होने के बाद घर ले जा रहे थे, तभी व्यापारी की मौत हो गई। एक युवक जिसका नाम राम प्रसाद है, उम्र 40 वर्ष, ये जो है नशे की अवस्था में सेमी कॉन्शियस स्टेट में अस्पताल इमरजेंसी लाए गए हैं, जिनकी स्थिति सही नहीं थी। इनको प्राइमरी उपचार करने के बाद इनको जिला अस्पताल संदर्भित करने के लिए सलाह दिया गया था और साथ पूरा इलाज इनका किया गया। जब युवक अपने आप सही हो गया तो इसको परिजन इनको जो है घर ले आने के लिए कहने लगे। इनको फिर भी बताया गया कि एक बार जिला अस्पताल परामर्श कर लें। जब उसकी स्थिति उन्होंने लगा कि सही है तो ये लोग अपने आप उसको घर ले चले गए। कि मेरा भाई है, बड़ा भाई मेरा जी, वो क्या नाम है उसका? रोज मैं उसको लेके आया था। क्या नाम है बड़े भाई का? सलीम मिश्रा, राम मिश्रा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं उसको लेकर, उसका कहना वीकनेस बहुत ज्यादा थी। यहाँ डॉक्टर लोगों ने जो है ग्लूकोज चढ़ाया, फर्जी तरीके से इंजेक्शन लगाया और वो हो गई एक्सपायर, वो हो गए जी जी। अब वो डॉक्टर साहब जो जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया था वो लापता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।